तो गाइस आप सभी का स्वागत है बड़ा क्रेजी में, और मेरे हाथ में है ये सोनी की 50mm OSS वाली लेंस, जिसको मैं 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इससे बहुत 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 प्यार है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हाय गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये है 50mm OSS की सोनी लेंस, और ये लेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये लेंस जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ये उतनी फास्ट लेंस है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट से थोड़ा अच्छा है गाइस। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट है गाइस। ये लेंस 1.8 है, इसने मुझे आज तक तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है और काफ़ी सही लेंस है गाइस ये। मैंने इसको लिया हूँ तब से, मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया हूँ गाइस, और ये लेंस मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको इसके अभी कुछ सैम्पल के शॉट्स दिखाता हूँ जो मैं अभी तुरंत निकालूंगा, ठीक है गाइस? ओके गाइस, टेक केयर। सोनी 1.8 के 50mm लेंस पे है, देखिए मैं अभी इसकी कैप निकालने जा रहा हूँ और देखिए कितने फट से ऑटो फोकस कर लेगा। देखिए गाइस, मैंने कैप निकालते ही ये ऑटो फोकस ऑलरेडी था ही, और ये भी मैंने शायद से स्लो पे रखा हुआ है गाइस, ऑटो फोकस स्लो नहीं मीडियम पे रखा हुआ है। डेप्थ ऑफ फील्ड कैसा है तो ये देखिए, मैं आपको अभी मेरा हाथ दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए पीछे का आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा शायद, अभी अपर्चर जो है वो 1.8 पे है गाइस, और ये काफ़ी सही डेप्थ ऑफ फील्ड देती है गाइस। सोनी के कैमरास की इन जनरल एक प्रॉब्लम ये है कि बैक लाइट अगर लाइट रहेगी तो फिर वो ठीक से फोकस नहीं करते। तो देखिए गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरे एक एक हाथ के बाल भी ठीक से दिख रहे हैं। ये मैक्रो तो नहीं है लेंस गाइस, बट देखिए मैं आपको इसको ऑटो फोकस दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, तुरंत ही ये फोकस कैच कर लेता है गाइस। गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये फटाक से फोकस पकड़ लेता है, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो भी हो रहा है ऑटो हो रहा है गाइस। ये नीड हो रहा है, हो गया ये भी। तो गाइस ये काफी फास्ट, ऑटो फोकस कर लेती है गाइस। और ये गाइस लेंस जो है वो गिम्बल के ऊपर यूज़ करने के लिए काफ़ी सही लेंस है। इसमें ये देखिए गाइस कितना सुंदर डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है, कुछ आपको अच्छे अच्छे शॉट्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस पीछे का पूरा ब्लर है। मैं आपको कुछ रैंडम शॉट्स दिखाऊंगा गाइस जो कि आप देख सकते हैं। बैकलाइट वाले भी आपको कुछ दिखाऊंगा मैं गाइस, ताकि आप इन जनरल एक ओवरव्यू ले लो इस लेंस का। ये ग्लास है, पीछे पूरी लाइट है। ये दिया दिवाली के कुछ दिए हैं गाइस। अब देख सकते हैं गाइस कि कितना क्विक ऑटो फोकस है इसका, और इसकी जो इमेज क्वालिटी है गाइस, अगर आप उसको अच्छे से एक्सपोज करोगे तो वो भी काफी सही आने वाली है गाइस। ये देखिए
ये फोकस छोड़ता ही नहीं है गाइस। ये बटन तो गाइस ये था सोनी। तो गाइस ये सारे इमेज, ये सारे वीडियोस जो है वो मैंने इसी लेंस पे लिए है गाइस। और इसका बोके मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी आपको कैसा लग रहा है वो उसके ऊपर है गाइस। ये देखिए पीछे का कंप्लीट ब्लर है, फोकस भी डिसेंट है गाइस, इसका डिसेंट से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है इसका फोकस अगर सच बात बताए गाइस तो। ये देखिए गाइस फोकस ये तुरंत कर लेता है और आप जैसे चाहे वैसे इस लेंस को ट्यून कर सकते हैं फोकस के लिए, स्लो फास्ट आपको जैसे पसंद है वैसे। तो गाइस ये था एक बेसिक सा रिव्यू सोनी 50mm OSS के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका रिव्यू आपको दे दूँ तुरंत तुरंत। मैं जब भी इस लेंस को हाथ में लेता हूँ गाइस वीडियो शूट करने के लिए, मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको छोड़ूँ। ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस इस लेंस के साथ ही रहूँ और ये मेरे साथ ही रहेगा। ये देखिए गाइस ये मेरी आंखें हैं, ये कंप्लीटली ऑटो फोकस है गाइस। तो गाइस ये लेंस काफी वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से और इसका प्राइस आप देख लो ऑनलाइन। अगर आपको ये लेंस बजट में है तो आप इसको ले लो, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। क्रॉप के लिए 35 भी सही है बट 50 बेस्ट है, बेस्ट नहीं बोल सकते, आप सोचो गाइस आपके हिसाब से लो।